आप सभी का स्वागत है चैनल में जिसका नाम है इंडियन गेमिंग। तो आज एक नया गेम को खेलने वाले हैं। फिलहाल इस गेम को इंडिया में लॉन्च नहीं किया गया है। ऑब्वियसली गेम जो है ग्लोबल लॉन्च नहीं हुआ है, ओपन बीटा स्टेज पे है। काफ़ी सारे कंटेंट इसमें ऐड कर सकते हैं इन फ्यूचर। कब लॉन्च होगा इंडिया में इसके बारे में कोई भी डिटेल नहीं है। तोबा, थारा मूड खराब कर दिया। जिस गेम को हम खेलने वाले हैं उसका नाम है वॉर आफ्टर पीपीबी एक्शन शूटर। और इस गेम को हमारे एक दोस्त ने रिकमेंड किए हैं, जैसे कि आप देख रहे हो स्क्रीन पे। तो आप भी न्यू गेम के बारे में बता सकते हो और अपडेट्स पाना चाहते हो तो रिकमेंड कर सकते हो। लेकिन यार पुराना गेम मत करो, न्यू जो आने वाले गेम्स है जो हमें खेल के मज़ा आएंगे आप लोगों को भी और जो मेरे नए दोस्त आएंगे उनको भी देख के मज़ा आए, तो वो गेम्स हमें रिकमेंड कर सकते हो। क्योंकि यार एक बंदे के लिए सभी गेम्स को कवर करना थोड़ा तो मुश्किल होता ही है, थोड़ा नहीं यार काफी ज्यादा मुश्किल होता है। अबे साले, तो इस गेम के बारे में सभी डिटेल जानने के लिए आपको इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहना है। वीडियो कहीं भी पसंद आए, गेम प्ले पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है। इस तरह का और न्यू गेम के बारे में जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो, नीचे रेड कलर का बटन है। जब आप सब्सक्राइब कर चुके हो साइड के बेल आइकन को भी दबा देना, ऑल पे टैप कर लेना ताकि आपको आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलो यार जल्दी से गेम प्ले में चलते हैं। तो हम आ चुके हैं वॉर आफ्टर पीपीबी एक्शन शूटर 2021 के गेम में। 2021 का ये बेस्ट गेम हो सकता है क्योंकि आप इस गेम को 200 MB के अंदर डाउनलोड कर सकते हो। फिलहाल हमने 200 MB के अंदर ये डाउनलोड किया, लेकिन मुझे लगता है आगे चल के जब ये ग्लोबल लॉन्च होगा गूगल प्ले स्टोर में इसका साइज इंक्रीज हो सकता है क्योंकि काफी सारा कंटेंट इसमें ऐड किए जाएंगे, जिसके चलते ऑब्वियसली साइज तो इंक्रीज हो जाएगा। इस गेम को डेवलप की है जीडी कंपनी जो है इससे पहले काफी सारा गेम एंड्रॉइड डिवाइस में लॉन्च कर चुके हैं। तो होम स्क्रीन कुछ आपको इस तरह का मिलता है, दो ऑप्शन नीचे की तरफ है। पहला है शॉप, जो हमें ज्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाना है इसमें। देन आता है आर्सेनल, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, आपको वेपन से लेके जो भी हेलमेट या फिर जैकेट पैंट्स मेले वेपन सभी का सेक्शन आपको इसमें मिल जाता है। जब आप इस गेम को रेगुलरली खेलते हैं लेवल अप करते हैं तो डिफरेंट लेवल पे डिफरेंट गन इसमें अनलॉक होता जाएगा। हालांकि ज्यादा गन्स फिलहाल इसमें प्रोवाइड नहीं किया गया है, लेकिन उन्होंने मेंशन जरूर किए हैं कि बहुत सारे वेपन इस गेम में ऐड वो करने वाले हैं। लेकिन हर वेपन को आपको परचेस करना है कुछ कॉइन्स वगैरह यूज करके। कॉइन्स कैसे कलेक्ट करना है गेम को ऑब्वियसली खेल के, समझ रहे हो आप। तो इसमें कुछ मोड्स वगैरह ऑलरेडी प्रोवाइड किया गया है और ये जो गेम है टोटली ऑनलाइन बेस्ड गेम है। तो कमेंट में ये मत बोलना कि यार इसे ऑफलाइन में खेल सकते हैं, बिल्कुल नहीं। तो चलो इसी कैरेक्टर के साथ हम आगे बढ़ते हैं। पहला जो है पॉइंट कैप्चर, जो हम कॉल ऑफ ड्यूटी में देखा जाए तो डोमिनेशन भी बोलते हैं, तो वो मोड फिलहाल हमारा सिलेक्ट हुआ है, तो उसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। ग्राफिक्स यार बहुत ही अच्छा है इस गेम में, 200 MB के अंदर इतना अच्छा ग्राफिक्स प्रोवाइड करना किसी भी कंपनी के लिए थोड़ा बहुत मुश्किल है, लेकिन इसमें आपको अच्छा ग्राफिक्स मिलता है जैसे कि आप देख पा रहे हो। कंट्रोल और थोड़ा बेटर हो सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है यार हमने सेंसिटिविटी जो है ठीक से सेट नहीं किया है, तो इसी की वजह से मुझे कंट्रोल में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। और ऑटो फायर का इसमें फीचर्स है, तो आपको गोलीबारी करने का ज़रूरत ही नहीं है। तो हम बी को कैप्चर कर रहे हैं, ये एक बंदा मारना नहीं, मर जाया। चलो पहला किल हो चुका है, मजा आया। और शॉर्ट राइफल और शॉर्ट गन, एक मेले वेपन भी है हमारे पास, तो देखते हैं और बंदे कहाँ हैं, सिर्फ हम मारने वाले। अरे रुक जा यार, थोड़ा गलती हो गया, बेस पे नहीं घुसना था। चलो कोई दिक्कत नहीं, 184-150 पॉइंट्स के साथ हम आगे हैं, थोड़ा ज़्यादा नहीं। ये कैप्चर कर रहे हैं सेक्शन बी, यानी अरे ये पहले से इधर है, तीन बंदा हो गया काम तमाम, पीछे से आके ठोक दिया हमें, गजब बेइज्जती है। तो हमें थोड़ा बहुत एग्रेसिव खेलना पड़ेगा क्योंकि लीड खो रहे हैं हम। 3 के ऊपर हो चुका है, बी को कैप्चर किए जा रहे हैं हमारे टीममेट्स, चलो अच्छी बात है, अभी तो थोड़ा बहुत लीड लेना है। चलो आ जा, आराम से, खत्म नहीं, काफी अच्छे प्लेयर्स हैं, लगभग बराबर टक्कर का मैच है। ये हुई ना बात, चलो गलत आइडिया था, ये हुई ना बात,
सेटिंग्स में जाके देखना पड़ेगा कि क्या क्या कंट्रोल्स है इसमें। आ जाओ, कहाँ है तू? पीछे है शायद। चलो ये तो गया। ये भी गया। नहीं, हम गए। ये बिक गई है गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट में कुछ नहीं है। हो गया, हेल्थ तो इंक्रीज कर दो यार, लीड ना खो दे। हम कैप्चर कर रहे हैं। चलो अच्छी बात है। हो गया, सी को भी उन्होंने कैप्चर कर लिए हैं, तो चलते हैं सी की तरफ। नहीं, बहुत गलत आइडिया था। चलो शॉर्ट गन का कमाल, हमारा धमाल। लेकिन दो किल के बाद हम भी घायल। घायल ने पूरा मार ही दिए। चलो शॉर्ट गन के साथ कुछ फंडे फंडे दिखाते हैं। काफी लीड लेते हुए 200 के करीब, 200 नहीं 100 के करीब लीडर ले चुके हैं। मर जा, मर जाना कुतिया। स्नाइपर चलाएगा, इतना हिम्मत हो गया तेरा? मरना तेरे को डर नहीं लगता? शॉटगन की जय हो। वन शॉट किल तो नहीं है, लेकिन जो भी है। मार, नहीं मरा। काफी ड्रेन किए थे, एक शॉट तो लगा था शॉटगन का। स्लाइडिंग फीचर भी है, बहुत अच्छा। और क्या चाहिए हमें? मर जा, मर गया। नहीं मरा, लेकिन जीते जरूर है। चलो अच्छी बात है, हमारा किल हुआ 12, जो लगभग MBB टाइटल के करीब थे, लेकिन मरे ज्यादा थे, जिसके वजह से हमें MBB टाइटल नहीं मिला। इस तरह से आप वार आफ्टर PVP एक्शन शूटर 2020 के गेम को खेल सकते हैं, जो काफी अच्छी बात है। आप कस्टमाइज भी कर सकते हैं अपने कैरेक्टर को, वेपन्स को तो फिलहाल कस्टमाइजेशन का ऑप्शन नहीं है, लेकिन आप अपने कैरेक्टर को तो कस्टमाइज कर सकते हैं। तो कैमरा कंट्रोल से लेके बैटल, एम असिस्ट, ऑटो शॉट को ऑफ करना है तो ऑफ कर सकते हैं। तो जब आपका डिवाइस मिड रेंज का है या फिर 1GB 2GB रैम का है, तो लो ग्राफिक्स में सेट करके आप खेल सकते हैं, जो अच्छी बात है हम सभी के लिए। तो जाओ, जब आप डाउनलोड करना चाहते हो कर सकते हो, लेकिन यार वेट करो, गूगल प्ले स्टोर पे लॉन्च होने दो, उसके बाद डाउनलोड करके खेल लेना। तो जैसे कि आप गेम प्ले देख चुके होंगे, और गेम प्ले देखने के बाद आपको ये गेम बहुत ही ज्यादा पसंद भी आ चुका होगा। लेकिन सभी को पसंद आएगा या फिर नहीं, ये तो उनके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन मेरे हिसाब से गेम काफी अच्छा है। देखते हैं ग्लोबल लॉन्च कब होता है, जब भी होगा आपको अपडेट्स तो प्रोवाइड कर देंगे। भूल जाए तो फिर भी हमें बता देना कमेंट करके कि यार ये जो गेम है ग्लोबल लॉन्च हो चुका है, फिर से इसे दोबारा ट्राई करो, क्योंकि काफी सारा कंटेंट इसमें आने का है, डेवलपर ने ये खुद बताया है। तो देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा इस गेम में और क्या कंटेंट ऐड किया जा सकता है। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, इस तरह का और इंटरेस्टिंग न्यू गेम के बारे में जानने के लिए, गेम प्ले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो इस लोगो बटन को दबा के। तो चलो भाई, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में फ्रेश एंड फाइन एपिसोड के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।